बिहार की राजनीति कहा जाता है कि एक लंबे समय से चलते आ रहा था, जिसका किंग मेकर माने जाते हैं लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव कई बीमारियों से ग्रसित हैं और उनका किडनी 5 तारीख यानी आज रोहिणी आचार्य देने जा रही है। रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पर तस्वीरें साझा की है और लिखी है कि बिहार के तमाम जनतों को आवाज देने वाली यानी गरीबों का मसीहा लालू प्रसाद यादव जी के लिए दुआ करिए, भगवान से कामना करिए कि वो जल्द ठीक हो जाए और बिहार की राजनीति एक बार फिर से बुलंद करने में लग जाए। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव कई बीमारियों से ग्रसित है और किडनी को लेकर सिंगापुर वह निकल चुके हैं और अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। साथ में उनकी बेटी रोहिणी आचार्य भी भर्ती हो गई है। उसके साथ राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव सभी सिंगापुर पहुंच गए हैं। रोहिणी आचार्य लगातार फेसबुक पर एक्टिव रहती है। उन्होंने सुबह सुबह तस्वीर साझा करते हुए लिखा, बिहार की जनता दुआ करिए हमारे पिताजी के लिए। तमाम तस्वीरों को साझा करते हुए रोहिणी आचार्य भावुक हो गई और कहा कि लंबे समय से ग्रसित चल रहे हैं, पिताजी बीमार हैं, आज किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा, जिसको लेकर बिहार की जनता भगवान से कामना और दुआ करें कि लालू प्रसाद यादव जल्द स्वस्थ हो जाए और बिहार के राजनीति में किंग मेकर का रोल निभाए, गरीबों की मसीहा और गरीबों का आवाज को बुलंद करने एक बार फिर से स्वस्थ होकर लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में एंट्री करेंगे।